झारखंड में हूं आपके साथ अंजलि आनंद। भारत सहित पूरी दुनिया में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि हर साल 21 जून को ही योग दिवस से क्यों मनाया जाता है? पंचांग के अनुसार 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है, जिसे ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं। ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षायन होता है और दक्षायन होने पर सूर्य का तेज कम हो जाता है, जिससे वातावरण अशुद्ध हो जाता है, कीटाणु उत्पन्न होने लगते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। ऐसे में आध्यात्मिक सिद्धियों को प्राप्त करने और तन मन को स्वस्थ रखने के लिए हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। भारत में ऋषि मुनियों के दौर से योगाभ्यास होता आ रहा है। योग न सिर्फ रोग से मुक्ति दिलाता है, ये हमारे आत्मविश्वास में बढ़ोतरी और मन को शांत रखने में भी करता है। और योग विद्या में शिव को आदियोगी माना जाता है, यानी भगवान शिव योग के जनक थे। वेदों के अनुसार योग जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है। योग अहंकार का विनाश करता है। जिस पल चित्त की वृत्तियां समाप्त हो जाए, तब योग का एक कण शुरू होता है। हम आपको बता दें कि पूरे विश्व में योग दिवस की शुरुआत 2015 में हुई थी। संक्रमण से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से योग दिवस हर साल मनाया जाता है। हर साल योग दिवस आयोजन के लिए एक थीम रखी जाती है। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम है मानवता। दुनिया के लोगों को योग के जरिए कई भौतिक और आध्यात्मिक लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से योग दिवस मनाया जाता है। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका में यूएन मुख्यालय में योग दिवस में शामिल होंगे। तो अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं और आपको बता दें कि आज योग दिवस मनाया गया और खास तौर पर आज शाम 5:30 बजे यूएन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक संदेश दिया जाएगा। 2015 में ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ही योग को लेकर लोगों को अवेयर करते हैं और भारत देश की जो पहचान है, जो सालों से चलती आ रही है योगा को, जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान मिली है। और अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि आज योग दिवस के कार्यक्रम पर पूरे देश में योगा मनाया गया। अर्थराइटिस होने पर 10 बार से लेकर के तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं बाबा रामदेव ने, जो कि योग की दुनिया में एक अलग क्रांति लेकर आए। आज उन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग किया। दूसरी तस्वीरें आप देख रहे हैं कि पतंजलि योगपीठ हरिद्वार ही पहुंचे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने भी योग किया। और तीसरी तस्वीरें आप देखिए, जबलपुर से है और यहाँ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उपराष्ट्रपति, उन्होंने भी योग किया। और सब जगह यही संदेश देने की कोशिश की गई कि योग से ही लोग आध्यात्मिक की ओर जाते हैं और योग से ही आपको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से ऊर्जा भी मिलती है। और आप चौथी तस्वीरें देख रहे हैं गुरुग्राम के, यहाँ भी योग दिवस किया गया और अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग कैमरे के जरिए कैप्चर किया गया है। दिल्ली की ये तस्वीरें आप देखिए, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी योग किया, वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग किया। और देखिए आप गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में भी आज खास आयोजन। और देखिए योग एक संदेश देता है और एक दूसरे से लोगों को जोड़ता है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी योग किया और लोगों को संदेश दिया कि योग आपको जोड़ता है, आपके मानसिक और खास तौर पर आपके व्यक्तित्व को निखारता है। तस्वीरें आप अलग अलग देख रहे हैं कि कैसे 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी। और देखिए पहली तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने
पूरे देश और विदेश तक ये संदेश पहुंचाया था कि योग आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। 2016 में आप देखिए युवाओं ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और 2017 में आप देखते हैं जो थीम होता है खासतौर पर देखिए योग का, 2016 में युवाओं को जोड़ना था तो 2017 की बात की जाए तो स्वास्थ्य, क्योंकि स्वास्थ्य आपके जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। और 2018 में शांति का संदेश दिया गया योग के जरिए। और 2023 की बात की जाए तो 2023 में देखिए खास आज का दिन बेहद है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 5:30 बजे यूएन से पूरे विश्व को ये संदेश देंगे। तो आज 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन पीएम मोदी न्यूयॉर्क में हैं, जहां इस खास दिन के लिए यूएन मुख्यालय पर खास कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। पीएम मोदी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। तो अलग अलग तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें आप देखिए, आज खास कार्यक्रम है और खास तौर पर देखिए यूएन में खास तैयारी भी की गई है। आज पूरे विश्व में एक अलग संदेश देने की कोशिश की जाएगी और ये अलग अलग तस्वीरें। और चौथी तस्वीरें आप देख रहे हैं बाबा रामदेव की तस्वीरें, योग गुरु वो भी संदेश दे रहे हैं। अमित शाह दिल्ली में मौजूद, वहीं आप देख रहे हैं राजनाथ सिंह ने भी लोगों को संदेश दिया। और खास तौर पर आप अलग अलग तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं कि कैसे योग को लेकर पूरे देश में पूरे विश्व में एक अलग पहचान भी बनी है, लोग कितने अवेयर हुए हैं। ओमान में भारतीय दूतावास ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग का वीडियो लॉन्च किया, आपको दिखाते हैं।